नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फटाफट लाइव आइए और फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ रहे थे। आई थिंक आपको पिछली क्लास में आधुनिक भारत की तमाम बातों को आपने पढ़ा और सीखा भी होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट लाइव आएं और देन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री आपने लास्ट क्लास में कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताया था, आधुनिक भारत के प्रमुख विशेषताएं या आधुनिक भारत के कुछ विशेष महत्वपूर्ण पहलुओं को टच किया था, है ना? तो आधुनिक भारत में आपने देखा कि किस तरह से भारत में यूरोपीय बस्तियां आईं और कैसे यूरोपीय बस्तियों ने भारत पर अधिकार किया, और आपने देखा कि यूरोपीय बस्तियां इंडिया में व्यापार को प्रोत्साहित किया था, यानी अपने व्यापार को इंडिया में प्रोत्साहित किया। यदि भी आपने देखा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़े थे, अंग्रेज फ्रांसीसियों में तीन संघर्ष हुआ था, और तीनों संघर्ष में का कारण अगर आप देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मुख्य कारण यही था। तो थोड़ा सा आज डिस्कस कराते हैं आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष कई पहलुओं से हम लोग देखेंगे। तो आप सभी लोग लाइव आ जाएं और फिर सेशन स्टार्ट करें। आप जानते हैं कि पिछली क्लास में जो बताए थे, यदि आप वही पढ़ना हो तो वही बताएंगे। तो चलिए, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं तो ज्ञानचंद्र जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग बच्चे। ज्ञानचंद वही पढ़ाएं, यानी आधुनिक भारत को पढ़ाया जाए ना, जो कि पिछली क्लास में चला रहे थे, वही मेन मेन फीचर्स बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, आप कमेंट करके आप लोग बताएं कि मेन मेन फीचर्स को आपको पढ़ाएंगे। प्रदीप कुमार, गुड इवनिंग बच्चे, बताएं प्रदीप। मॉडर्न ही कराएं या शेरशाह? चलिए मॉडर्न ही कराते हैं, ठीक है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी स्टडी चल रही है? तो देखें, मॉडर्न हिस्ट्री का ही बातें आज भी आगे ले चलते हैं। आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत के बारे में आज भी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष यदि आपसे पूछा जाए कि आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष किसके मध्य में हुआ था, तो आंग्ला माने अंग्रेज होता है बच्चों, फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और अगर यह कहा जाए कि इस युद्ध का कारण क्या था, तो इस युद्ध का कारण है बच्चों, आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध का कारण अगर पूछा जाए
एक तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, यानी व्यापार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों में संघर्ष स्टार्ट हुआ था। और भी कारण है, उपनिवेशों को लेकर, उपनिवेश तो आप जानते ही हैं, उपनिवेशों को लेकर आपसी तनाव, उपनिवेश का मतलब ये होता है, जैसे आप जानते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम यूरोपीय कंपनियों ने एशिया, अफ्रीका के देशों पर अधिकार करके अपने उपनिवेश बनाने लगे थे। तो बच्चों, अंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का मुख्य कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा उपनिवेशों को लेकर आपसी तनाव। आप जानते हैं, अमेरिका महाद्वीप पर पहले स्पेनिश का अधिकार था, बाद में फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ, उसके बाद फ्रांसीसियों और स्पेनिश को हरा करके अंग्रेजों ने अमेरिकन महाद्वीप के तमाम क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए उपनिवेशों को लेकर भी इनमें तनाव था। लेकिन बच्चों, आपको बताएं, यूरोप में भी इन दोनों देशों में आपस में लड़ाई होती रहती थी। यानी यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई, यह भी एक कारण था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई, जैसा कि आप जानते हैं, इस उत्तराधिकार की लड़ाई में ब्रिटेन ब्रिटेन फ्रांस ये आमने सामने थे बच्चों, ये दोनों आमने सामने थे। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। तो इस तरह से आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष के कई कारण हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष कब लड़ा गया, तो बच्चे प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष यदि आपसे पूछा जाए कि कब लड़ा गया, तो यह वैसे तो 1740 में यूरोप में स्टार्ट हो गया था और 1748 ईस्वी तक चला था। बट ध्यान रखें, इस 1740 में यूरोप में स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यह लड़ाई स्टार्ट हुआ था। तो आंग्ला फ्रांसीसी, प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का मेन कारण अगर आपसे पूछा जाए, यानी इसका मुख्य कारण बच्चे, तो इसका मुख्य कारण है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई, ये इसका मुख्य कारण था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर यह संघर्ष स्टार्ट हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, हैब्सबर्ग था एक, उसकी उत्तराधिकारी मारिया थेरेसा बनना चाहती थी। फ्रांस ने मारिया थेरेसा का सपोर्ट किया था, जबकि ब्रिटेन ने प्रिंस विलियम का सपोर्ट किया था। इस तरह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। बच्चों,
यूरोप में सिलेशियन लड़ाई हुआ था, सिलेशिया का युद्ध 1740 से 42, सेकेंड सिलेशियन युद्ध 1744 से 1745 के बीच में हुआ था। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर दो प्रमुख लड़ाइयां, सिलेशियन युद्ध लड़ा गया था। हम इसको वहीं छोड़ देते हैं, ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार को लेकर ये दोनों देश जहां जहां भी थे युद्ध छेड़ दिया था। इसको लेकर, इसी को लेकर बच्चे ब्रिटेन, फ्रांस युद्ध छेड़ दिए, तो इसी को लेकर इन्होंने युद्ध को प्रारंभ किया। जहां जहां दोनों देश थे या जहां जहां दोनों देशों की कंपनियां थीं, ये दोनों देशों की कंपनियां वहां वहां आपस में लड़ बैठी। ध्यान देना, भारत में यह लड़ाई 1746 में स्टार्ट हुआ। इंडिया में उस समय बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस समय रॉबर्ट क्लाइव था। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस समय डुप्ले था। तो कुल मिला के लड़ाई का कारण यही था। और इंडिया में 1746 से 1748 तक प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष लड़ा गया था। यह इंडिया में इस समय लड़ा गया था। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो हमारे साथ प्रदीप जुड़े हैं, ज्ञानचंद जुड़े हैं, बाकी बच्चे भी हैं। तो बच्चों, यह लड़ाई, प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष इंडिया में 1746 में स्टार्ट हुआ था। और इस लड़ाई में इस समय फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले ने, इस समय फ्रांसीसी गवर्नर था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था लॉर्ड डुप्ले ने, इसने बच्चों मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर को भारत आने के लिए बुलाया। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर, नाम था लॉ बोडोनेस, ये था मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर ला बोडोनेस था। तो डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर को सेना लेकर आने के लिए कहा था, और ला बोडोनोस यह मॉरिशस से अपनी सेना लेके आया। मद्रास को इसने चारों तरफ से घेर लिया था। बच्चों, इसने मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया, और इस समय मद्रास कुछ ही समय के बाद ला बोडोनोस के अंडर में आ गया, यानी फ्रेंच गवर्नर मॉरिशस का लॉर्ड बोडोनोस के पास आ गया। अब मद्रास को लेकर डुप्ले, ला बोडोनोस में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई। ला बोडोनोस चाहता था कि मद्रास अंग्रेजों को दे दिया जाए। डुप्ले ने मद्रास अनवरुद्दीन को देने को प्रॉमिस किया था। अनवरुद्दीन उस समय कर्नाटक का नवाब था। ध्यान दें, अनवरुद्दीन उस समय कर्नाटक का नवाब था। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से कहा कि तुम हमारी मदद करो और हम मद्रास अंग्रेजों से जीतकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को देंगे। अनवरुद्दीन ने डुप्ले की मदद किया, लेकिन बच्चों मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बोडोनोज ने क्या किया जानते हैं?
उसने मद्रास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया और ब्रिटिश कंपनी से उसने पैसे लिया। डुप्ले नहीं माना बच्चे, डुप्ले नहीं माना, डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास पर अधिकार करने के पश्चात डुप्ले ने मद्रास अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर अनवरुद्दीन और डुप्ले यानी फ्रांसीसी गवर्नर के मध्य में संघर्ष स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए, अनवरुद्दीन और फ्रेंच गवर्नर यानी फ्रेंच सेना में संघर्ष स्टार्ट हो गया। पैराडाइज के नेतृत्व में एक बेहद छोटी टुकड़ी फ्रांसीसियों की, 10,000 की एक बड़ी टुकड़ी अनवरुद्दीन के बेटे फहीम खान के नेतृत्व में हरा दिया। कहां पर हराया था बच्चों? सेंट टॉमे नामक स्थान पर। तो यहां ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट? कि 1748 में इस समय फ्रेंच या फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी कंपनी ने अनवरुद्दीन की सेना को, हालांकि इसका सेनापति अनवरुद्दीन का बेटा फहीम खान था, अनवरुद्दीन की सेना को सेंट टॉमे की लड़ाई में हराया। यह लड़ाई बच्चों 1748 में लड़ा गया। यह लड़ाई सेंट थॉमस नामक किले के पास लड़ा गया और सेंट टॉमे की लड़ाई में, इस लड़ाई में अनवरुद्दीन की सेना, जिसके पास 10,000 की सेना थी भारतीय फौज, लेकिन एक छोटी सैनिक टुकड़ी के द्वारा फ्रांसीसियों ने बुरी तरह से हराया था। इस हार के बाद यूरोप में बच्चों, इस हार के पश्चात जानते हैं यूरोप में क्या हुआ? तो आपको बताते हैं, यूरोप में 1748 में इक्सला शेपल की संधि हुई। इक्सला शेपल की संधि, यह यूरोप में हुआ था और यह ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों के बीच हुआ था। ब्रिटेन फ्रांस के मध्य हुआ था। अब आप देखिए, इस संधि के द्वारा क्या हुआ, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस संधि के द्वारा बच्चे फ्रांस ऑस्ट्रिया के सक्सेसर को किसको माना गया? तो ऑस्ट्रिया में किसको सक्सेसर माना गया? मारिया थेरेसा। यह हैब्सबर्ग वंश की थी। तो हैब्सबर्ग वंश की मारिया थेरेसा को ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी मान लिया बच्चों। तो इस तरह से मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी मान लिया गया। और क्या किया गया इसके अलावा, और क्या किया गया जानते हैं? उत्तरी अमेरिका में बच्चे लक्ज़मबर्ग था, उसे किसको दे दिया? उसे फ्रांसीसियों को दे दिया। और इस तरह से फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है, तो बच्चों यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में लक्ज़मबर्ग था,
उसे फ्रांसीसियों को दे दिया। लुइसबर्ग था, ये लुइसबर्ग था, लग्जमबर्ग हम गलत बता रहे थे, लुइसबर्ग, यह फ्रांसीसियों को दे दिया। और जानते हैं भारत में मद्रास, यह किसको दे दिया? यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। तो यहाँ यह पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, आई थिंक समझ पा रहे हैं आप। उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग यह फ्रांसीसियों को दे दिया गया, भारत के मद्रास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए मारिया थेरेसा को सपोर्ट किया गया। तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझौता कर लिया, और इस समझौते की ये तीन चार शर्तें थीं। इसी संधि को भारत में भी लागू किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड कि इसी शर्त को इंडिया में भी लागू किया गया। तो इस तरह बच्चे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष एक्सला शिपल की संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस लड़ाई में, यानी प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष में, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जीत गया था और डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। अब डुप्ले अंग्रेजों को इंडिया से भगाना चाहता था। तो आइए सेकेंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी द्वितीय आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, द्वितीय आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, द्वितीय आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष। और आई थिंक आप जानते हों यह लड़ाई 1749 से लेकर 1754 के बीच में लड़ा गया था। अब बच्चे डुप्ले इतना महत्वाकांक्षी हो गया था, कि वह इंडिया से अंग्रेजों को भगा देना चाहता था, क्योंकि फर्स्ट आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष में डुप्ले को बढ़त मिल गई। कैसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा करके अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया था। उसके बाद उसने न केवल अंग्रेजों को हराया, अपितु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के बाद फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को भी नहीं बख्शा, अनवरुद्दीन को भी हरा दिया। आइए आपको लिए चलते हैं इस तरफ। इसका कारण अगर आप देखें तो ये बाहर से नहीं आया था बच्चों, इसका कारण है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का कारण इंडिया में ही था। कहाँ पर था? देखिए, एक तो हैदराबाद में था। आप जानते हैं हैदराबाद का निज़ाम मुगलों के अंडर में था। यहाँ का निज़ाम निज़ाम उल मुल्क था बच्चे, निज़ाम उल मुल्क, यहाँ का निज़ाम निज़ाम उल मुल्क था। इसी ने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किया था। निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किया था। कब? 1724 ईस्वी में। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद रंगीला था। निज़ाम उल मुल्क का असली नाम चिन कुलिच खान था। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिन कुलिच खान था। क्या नाम था बच्चे? इसका वास्तविक नाम चिन कुलिच खान था, चिन कुलिच खान। तो इस तरह से चिन कुलिच खान ये इसका रियल नेम था। इसने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 में किया था। स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना 1724 में किया था। इसका देहांत हो गया कब? 1748 में, यानी निजाम का देहांत हो गया। अब आप देखें निजाम के डेथ के बाद क्या हुआ कि इसका, निजाम का बेटा नासिर जंग,
नासिर जंग, यह निजाम बनना चाहता था, लेकिन एक और उत्तराधिकारी बनना चाहता था, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग बच्चे, यह निजाम उल मुल्क का पौत्र था और नासिर जंग यह पुत्र था, लेकिन मुजफ्फर जंग नासिर जंग का बेटा नहीं था। मुजफ्फर जंग का पुत्र पिता कोई और था, उसका देहांत हो चुका था। तो बच्चे नासिर जंग, मुजफ्फर जंग दोनों हैदराबाद के निजाम बनना चाहते थे। तो एक कारण डुप्ले को यहां मिल गया, डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया। डुप्ले ने फ्रेंच गवर्नर बच्चे, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने इसका सपोर्ट किया। तो स्वाभाविक था कि नासिर जंग का सपोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसी वजह से डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया था बच्चे। तो यहाँ ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, डुप्ले ने इसका सपोर्ट किया, यानी हैदराबाद के लिए डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया। एक और यहाँ कारण इंडिया में था, दूसरा क्या कारण था वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा कारण अगर आप देखें तो बच्चे कर्नाटक था, ये कर्नाटक, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था जिसको डुप्ले ने फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में हराया था, और कर्नाटक में चांदा साहेब भी नवाब बनना चाहते थे। चांदा साहेब ये कौन थे बच्चे? तो चांदा साहेब दोस्त अली के दामाद थे, दोस्त अली के दामाद। और दोस्त अली कौन था? तो बच्चे दोस्त अली अनवरुद्दीन के पिताजी थे, इनका देहांत हो चुका था, तो अनवरुद्दीन के फादर थे ये, अनवरुद्दीन के पिताजी थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि अनवरुद्दीन के खिलाफ डुप्ले ने चांदा साहिब का सपोर्ट किया था। चांदा साहिब का सपोर्ट किसने किया? डुप्ले ने किया बच्चे। तो इस तरह से इंडिया में ही झगड़े का कारण मिल गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। कोई डाउट है, पूछना चाहें कुछ तो आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहां अगर आप देखें, गुमसुम, लेट हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, गुमसुम। गुरुजी हो गया पेपर, कैसा रहा? क्या प्रश्न पूछा गुमसुम? कोई प्रश्न हिस्ट्री वाला बताएं, बताएं बच्चे। गुमसुम, कोई प्रश्न जो आपसे पूछा गया हो बताएं, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज यूपी प्लस का लास्ट पेपर था, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो बताएं। जो आया हो, अच्छा अभी अभी आए हैं, तो चलिए कोई क्वेश्चन जो आपको हिस्ट्री में पूछा गया हो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए बच्चे आगे की तरफ ले चलते हैं।
याद आए तो बता देना गुमसुम, हम आपके क्वेश्चन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो चलिए आप बता देना याद आ जाए कौन सा प्रश्न था, तो हम उसके आंसर्स आपको दे देंगे। तो इस तरह से बच्चे सेकेंड आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का कारण अगर आप देखें तो एक तरफ हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध था जिसमें डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया, तो स्वाभाविक था कि नासिर जंग का साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। दूसरी तरफ कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन डुप्ले के दुश्मन थे, इसलिए अनवरुद्दीन के खिलाफ डुप्ले ने चांदा साहिब का सपोर्ट किया। चांदा साहिब दोस्त अली के दामाद थे या फिर अनवरुद्दीन के बहनोई थे, तो इस तरह चांदा साहिब का सपोर्ट डुप्ले ने किया। अब हुआ क्या सो आप देखें, 1749 की बात है बच्चों, 1749 में इस समय अंबर की लड़ाई में यदि आप देखें तो इस लड़ाई में डुप्ले चांदा साहिब तथा मुजफ्फर जंग इन तीनों ने, डुप्ले चांदा साहिब मुजफ्फर जंग तीनों ने बच्चों मिल करके अनवरुद्दीन पर अटैक कर दिया, यानी कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया और इस लड़ाई में अनवरुद्दीन हार गया और यह मारा गया, हारा और मारा गया। तो इस तरह से अनवरुद्दीन हार गया और मारा गया। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली नाम था, यह भाग करके त्रिचनापल्ली किले में शरण लिया था। त्रिचनापल्ली किले में जाके यह शरण लिया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का बेटा भाग करके त्रिचनापल्ली किले में शरण लिया था। तो बच्चों इस प्रकार मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली किले में शरण ले लिया और चांदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। तो ये चांदा साहिब यह कर्नाटक के नवाब बन गए थे, कर्नाटक के नवाब ये बन गए। तो एक जगह तो डुप्ले को सफलता मिल गई, अब मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली किले के अंदर से एक पत्र लिखा ब्रिटिश कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव को और रॉबर्ट क्लाइव से उसने मदद मांगी। रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद अली की मदद करने के लिए सोचा। तो एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ क्या हुआ बच्चे, दूसरी तरफ सेम टाइम 1749 में इसी समय डुप्ले के साथ मुजफ्फर जंग और इसके साथ चांदा साहब की सेना भी गई। तीनों की सेनाओं ने फिर से मिल करके नासिर जंग पर अटैक कर दिया बच्चे ये हार गया और यह भी मारा गया। तो इस समय डुप्ले अपने पावर की चरम सीमा पर था, है ना, समझ रहे हैं। 1749 में डुप्ले मुजफ्फर जंग चांदा साहब की सेना ने मिलकर नासिर जंग पर अटैक किया, इसको हराकर मार दिया। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों 1749 में डुप्ले अपने पावर की चरम सीमा पर था। हैदराबाद में
मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया और हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में डुप्ले ने 1,00,000 सेना तैनात कर दिया। इसलिए तैनात कर दिया कि कहीं हैदराबाद का निज़ाम ब्रिटिश कंपनी के शरण में न चला जाए। बच्चों 1750 में मुजफ्फर जंग एक छोटी सी झड़प में मारा गया। उसके स्थान पर मुजफ्फर जंग के चाचा सलावत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया गया था। समझ रहे हैं? यानी इसकी हत्या हो गई थी 1750 में, ये मारा गया, तो इसके चाचा सलावत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया और बुस्सी के नेतृत्व में, बुस्सी फ्रांसीसी जनरल था बच्चे, बुस्सी के नेतृत्व में 1,00,000 सेना, 1,00,000 सेना हैदराबाद में तैनात कर दी गई। तो यह पॉइंट भी बेहद इम्पोर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय तक डुप्ले अपनी पावर की चरम सीमा पर था, लेकिन जल्द ही डुप्ले की पावर सीमा समाप्त होने लगी। कैसे? मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था, त्रिचनापल्ली के किले में शरण ले रखा था। उसने एक पत्र ब्रिटिश कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव को लिखा। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली किले से निकालने के लिए एक डिप्लोमेटिक चाल चली, यानी एक कूटनीतिक चाल चली। उसने एक साथ दो सेनाएं दो स्थानों पर अटैक करने के लिए भेजा। एक स्थान त्रिचनापल्ली किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा, दूसरा उसने कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर अटैक करने के लिए भेजा। सोचा कि कर्नाटक की राजधानी को बचाने के लिए चांदा साहिब और फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली से कुछ सेना अरकाट भेजेंगे, इससे त्रिचनापल्ली के किले की सेना कम हो जाएगी और उसका फायदा उठाएंगे, मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली से निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों आपको बताएं कि रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेटिक चाल का डुप्ले जवाब नहीं दे पाया। एक साथ भेजी गई दोनों सेनाओं ने फ्रेंच और चांदा साहिब की सेना को दोनों स्थानों पर हरा दिया और चांदा साहिब मारा गया। मोहम्मद अली को अंग्रेजों ने त्रिचनापल्ली किले से निकाल लिया और फिर अपनी अधीनता में उसे कर्नाटक का नवाब बना दिया। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हम बता रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको बताए हैं यह बेहद इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चों आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं आगे क्या हुआ। उस घटना को आप देखें, आगे में अगर आप देखें तो जो अभी आपको बताए हैं, मोहम्मद अली ने, ये तो आप जानते हैं मोहम्मद अली कौन था। मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का बेटा था, त्रिचनापल्ली किले में शरण लिया था, त्रिचनापल्ली के किले में ये शरण लिया था। इसने रॉबर्ट क्लाइव से मदद मांगी। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तो इससे मदद मांगी। इसने एक साथ दो सेनाएं भेजा। बच्चे एक सेना इसने त्रिचनापल्ली पर आक्रमण के लिए भेजा, त्रिचनापल्ली किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दूसरी सेना इसने कहाँ भेजा? इसने अरकाट पर अटैक करने के लिए भेजा। अरकाट यह कर्नाटक की राजधानी थी। तो एक साथ दो सेनाएं भेजा, त्रिचनापल्ली जहाँ मोहम्मद अली ने शरण लिया था इसको छुड़ाने के लिए, दूसरा कर्नाटक की कैपिटल अरकाट पर अटैक किया। अब आप देखें, एक साथ दो जगह सेना भेजा इसने और दोनों स्थानों पर, बच्चे इन दोनों ही स्थानों पर
रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीतिक चाल कामयाब हुई, यानी कुल मिला के दोनों ही स्थानों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हराया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हराया था बच्चों। हाँ बताओ, अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चों होल्ड करें, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, एक मिनट होल्ड करें। तो बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसलिए क्लास को थोड़ा सा रोकना पड़ा था। तो अब आप बताइए, आप सुन पा रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए बताइए, तो एक बार कमेंट करके बताएं कि आप सुन पा रहे हैं। बिल्कुल गुमसुम इसी को ठीक कर रहे थे, थोड़ा सा क्लास होल्ड किए थे। आई थिंक अब आपको आवाज़ आ रही है, तो बताएंगे आप लोग कि आपको आवाज़ आ पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके, गाजीपुर ब्लॉगर, क्या बात है। तो बच्चे कुल मिला के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई हुई थी, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो बच्चों अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चलते हैं आगे की तरफ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में तीन लड़ाई हम आपको बता रहे हैं,
पहली लड़ाई हमने आपको बताया 1746 से 48 के मध्य में लड़ा गया, जिसमें डुप्ले फ्रेंच कंपनी का गवर्नर जीत गया था, लेकिन बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी को लुइसबर्ग के बदले में मद्रास लौटा दिया। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में क्लाइव की डिप्लोमेटिक चाल के सामने एक बार फिर रॉबर्ट क्लाइव इस लड़ाई को जीतने में सफल हो सका था। ठीक है, तो दोनों ही स्थानों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बच्चों बुरी तरह से हराया। दोनों स्थानों पर का मतलब त्रिचनापल्ली में भी हराया और यहाँ से मोहम्मद अली को निकाल लिया, और कर्नाटक की राजधानी में भी फ्रेंच कंपनी को हराया। यानी कुल मिला के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया था। इसे कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो इस प्रकार मोहम्मद अली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कर्नाटक का नवाब बन गया बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हैदराबाद पर अभी भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। हैदराबाद पर भुस्सी के नेतृत्व में 1 लाख सेना अभी भी तैनात थी। तो कहने का मकसद यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन हैदराबाद पर अब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, फ्रेंच कंपनी का कब्जा था। भुस्सी के नेतृत्व में 1 लाख सेना तैनात कर दी गई थी। लेकिन इस हार के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने डुप्ले को दोषी ठहराया। इस हार के लिए फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को दोषी ठहराया गया और डुप्ले को मौका नहीं दिया, इसको फ्रांस वापिस बुला लिया। इसके स्थान पर गाडेहू को भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर मान लिया गया। यह सीनियर मोस्ट सदस्य था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको गवर्नर मान लिया। डुप्ले लौट गया, लेकिन बच्चों फ्रांस की सरकार ने डुप्ले के स्थान पर काउंट लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। इसे भारत का गवर्नर अपॉइंट किया गया बच्चों। काउंट लाली यह 1 साल की यात्रा करके भारत 1556 में पहुंचा था, सॉरी 1756 में पहुंचा। 1 साल की यात्रा करने के पश्चात 1756 में काउंट लाली इंडिया पहुंचा, और बच्चे उस समय तक थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, तृतीय आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, तीसरा आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में तीसरा आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष 1756 में स्टार्ट हुआ था, और यह संघर्ष 1763 ईस्वी तक चला था। तो आइए अब आपको ले चलते हैं तृतीय आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष की तरफ। तृतीय आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, तृतीय आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष
इसकी तरफ अब आपका ध्यान अर्जित करेंगे और यह संघर्ष 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में तीसरा अंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष लड़ा गया था। बच्चों, इसका कारण अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, थर्ड वाले का कारण सप्तवर्षीय युद्ध है। सप्तवर्षीय युद्ध यह यूरोप में स्टार्ट हुआ 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। यूरोप में 7 ईयर्स वार चला था। तो तृतीय अंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का मुख्य कारण 7 ईयर्स वार था, यानी सप्तवर्षीय युद्ध। और यह सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुआ था। इसमें बच्चों एक तरफ, इस लड़ाई में यदि आप देखें तो एक तरफ कौन था, तो इस लड़ाई में एक तरफ ब्रिटेन था, दूसरी तरफ फ्रांस था। दोनों के मध्य में सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुआ। तो जब जब यूरोप में दोनों देशों में संघर्ष होता था, दोनों ही कंपनियां जहां जहां थीं वहां आपस में संघर्ष स्टार्ट कर देती थीं। इंडिया में भी काउंट लाली 1756 में पहुंचते ही उस समय यहां इंडिया में भी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। काउंट लाली उस लड़ाई में शामिल हो गया और काउंट लाली ने गलती क्या किया कि जैसे ही वह भारत पहुंचा, बच्चों काउंट लाली जैसे ही इंडिया में पहुंचा तो काउंट लाली ने क्या किया, काउंट लाली ने बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया। बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, हैदराबाद से बुस्सी को वापस बुला लिया। क्यों बुलाया, क्योंकि बुस्सी के पास हैदराबाद में 1,00,000 सेना तैनात थी। उस सेना को लेकर काउंट लाली ने किस पर अटैक कर दिया, तंजौर के राजा पर अटैक कर दिया, क्योंकि तंजौर के राजा के ऊपर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तंजौर के राजा के ऊपर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 56,00,000 रुपया बकाया था। इतना पैसा इस पर बकाया था, सोचा कि अगर ये पैसा हम इससे ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर सेना को और बढ़ाएंगे और फिर हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो बच्चों इस तरह से ये बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी काउंट लाली जैसे ही इंडिया पहुंचा, तो काउंट लाली ने आते ही हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया और जैसे ही बुस्सी को बुलाया वैसे सलावत जंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनता में चला गया। कर्नाटक तो निकल ही गया था, अब हैदराबाद भी ब्रिटिश कंपनी के अधीनता में आ गया। क्योंकि जब तक बुस्सी हैदराबाद में 1,00,000 सेना के साथ तैनात था, तब तक हैदराबाद का नवाब निजाम सलावत जंग अंग्रेजों के साथ नहीं गया। जैसे ही बुस्सी 1,00,000 सेना लेकर वहां से हटा, सलावत जंग ब्रिटिश कंपनी के शरण में चला गया और 1,00,000 सेना के साथ तंजौर पर आक्रमण तो किया, लेकिन तंजौर का राजा दिवालिया हो चुका था, उसने 56,00,000 रुपया भी नहीं दिया। तो बच्चों इस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी न घर का न घाट का, और जगह जगह छोटी मोटी कई लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन एक लड़ाई लड़ी गई बच्चे, बेहद इंपॉर्टेंट लड़ाई है, थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के समय में एक बेहद इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई 1760 में। यह लड़ाई थी वांदी वॉश की लड़ाई, वांदी वॉश की लड़ाई। तो 1760 में वांदी वॉश की लड़ाई, इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हराया, बुरी तरह से फ्रांसीसी हारी बच्चे। ब्रिटिश कंपनी ने इस लड़ाई में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हराया। यह पूछा जाता है
और वांदीवास कहाँ पर है, तो यह कर्नाटका में है। तो कर्नाटक में वांडीवास की लड़ाई में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को बुरी तरह से हराया। इस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा इंडिया से कम हो गया। बच्चे बाद में एक समझौता हुआ यूरोप में, यहाँ नहीं हुआ, यूरोप में हुआ। क्या समझौता था? 1763 ईस्वी में इस समय यूरोप में पेरिस की संधि हुआ था। बच्चे पेरिस की संधि, या इसको पीस ऑफ पेरिस भी कहते हैं। यह संधि ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकार के बीच में हुआ था, फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच हुआ था। और इस संधि के द्वारा ब्रिटेन फ्रांस ने यूरोप में शांति स्थापित किया और इन्होंने सप्तवर्षीय युद्ध को समाप्त कर दिया। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध को इस संधि के द्वारा समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त कर दिया। ब्रिटेन ने फ्रांस के जीते हुए पार्ट वापस लौटा दिया, फ्रांस ने ब्रिटेन के जीते हुए पार्ट को लौटा दिया। यानी कुल मिला के इसी संधि का पालन बच्चे भारत में किया गया। भारत में भी इस संधि का पालन किया गया। फ्रांसीसी कंपनी को, फ्रांसीसियों को या फ्रांसीसी कंपनी को, इनको बच्चे इनको कुछ स्थल दे दिया। जैसे आप जानते हैं फ्रांसीसी जहाँ जहाँ थे, जैसे फ्रांसीसियों का जो अड्डा था इंडिया में वह लौटा दिया। फ्रांसीसी पौंडचेरी में थे, है ना, फ्रांसीसी मछलीपट्टनम में थे, फ्रांसीसी बंगाल के हुगली में थे, फ्रांसीसी पटना में भी थे। तो जहाँ जहाँ इनका केंद्र था वे केंद्र वापस कर दिए। स्पेशली पौंडचेरी इनके पास एक बड़ा सेंटर था, पौंडचेरी, माही, जिंजी, मछलीपट्टनम इत्यादि इनको लौटा दिया। बच्चे पौंडचेरी, जिंजी भी था इनके पास, माही भी था, इसको भी लौटा दिया। कलकत्ता में भी इनके पास केंद्र था, उसे भी लौटा दिया। यानी कुल मिला के फ्रांसीसियों को ये तमाम केंद्र इंडिया में लौटा दिए गए। लेकिन कहा गया कि वे अपने इन केंद्रों का किलेबंदी ना करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से हार गई। और इस तरह से अंग्रेजों का अब कोई भी यूरोपियन कंपनी इंडिया में टक्कर देने वाली नहीं थी। फ्रांसीसी थे लेकिन वे हार गए। लेकिन आपको बताएं, फ्रांसीसियों के पास पौंडचेरी 1954 तक रहा। बच्चे पौंडचेरी को 1954 में वे आज़ाद करके इंडिया से चले गए थे, जबकि अंग्रेज 1947 में चले गए थे। पौंडचेरी उनके पास 1954 तक पड़ा रहा। पुर्तगाली 1961 में गए थे, है ना, और आप जानते हैं डेनिश 1854 में चले गए थे। स्पेनिश बेदरा की लड़ाई के बाद ख़त्म हो गए थे। बेदरा की लड़ाई 1759 में लड़ा गया था। तो इस प्रकार अब अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो उनके कंपनी को नष्ट कर सकती थी। अब अगर आपसे पूछा जाए फ्रांसीसियों के हार के कारण क्या थे, तो फ्रांसीसियों के हार के सबसे प्रमुख कारण में अगर आप देखें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी नहीं थी। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। तो आप जानते हैं सरकारी काम कैसे होता है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी। जितने भी अधिकारी, गवर्नर, कर्मचारी आते थे फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। अच्छा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण भारत में वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। उसको निर्णय के लिए फ्रांस की सरकार का इंतज़ार करना पड़ता था, जिसे आने में महीनों तक लग जाते थे। इसलिए डुप्ले स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, जबकि ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। बच्चे वह किसी भी समय भारत में कोई भी निर्णय ले सकती थी क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी।
स्थिति के अनुसार ब्रिटिश कंपनी को भारत में निर्णय लेने का स्थान अधिकार था। दूसरी बात, रॉबर्ट क्लाइव डुप्ले से ज़्यादा डिप्लोमेट था, यानी कहने का मतलब रॉबर्ट क्लाइव कूटनीतिज्ञ था जबकि डुप्ले कूटनीतिज्ञ नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अरकाट और त्रिचनापल्ली पर एक साथ हमले करवाया था। इसके पीछे यही लॉजिक था कि अगर हम मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली किले से निकालना चाहेंगे तो कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर दबाव डालना पड़ेगा। उसमें वह सफल भी हुआ। और बाकी तमाम चीज़ें हैं बच्चे, देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पौंडचेरी था, है ना, पौंडचेरी था और मसूलीपट्टनम था और बालासोर भी था, कलकत्ता में भी था और छोटे छोटे स्थान थे, माही और जिंजी था। जबकि ब्रिटिश कंपनी के पास इंडिया में बम्बई था, मद्रास था, कलकत्ता था। किसी दो केंद्र को अगर कैप्चर कर लिया जाता तो एक केंद्र फिर भी उनका बचा रहता। फ्रांसीसियों के संपूर्ण केंद्र एक साथ कैप्चर किया जा सकता था। तो तमाम चीज़ें हैं बच्चों, इसलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हार का मुख्य कारण अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी, निर्णय लेने का अधिकार उसको इंडिया में नहीं था, उसके लिए निर्णय फ्रांस से आता था। ठीक है, ये हमने आपको बताया। चलिए कोई डाउट है तो आप पूछ लें और फिर आगे की तरफ ले चलते हैं। अभी जो बताए हैं, कोई डाउट है आप पूछें और फिर इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। तो बताएं, गुमसुम बताएं बच्चे, गुमसुम बताइए। ज्ञानचंद्र यादव हैं, प्रदीप कुमार हैं क्या, पूछें अगर कुछ पूछना हो तो बताएं आप। वांडी बॉस की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई बच्चे, कई दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर आज क्लास यहीं पर रेस्ट करते हैं क्योंकि बच्चे कम हैं। कल छुट्टी रहेगी बच्चे मंडे को, परसों क्लास होगी क्योंकि कल एक शादी में जाना है तो कल क्लास नहीं ले पाएंगे, परसों क्लास ले पाएंगे। ठीक है ना, कोई डाउट है पूछ लें, अन्यथा यह सेशन यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में परसों मिलेंगे, कल नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।